तो आपको एक टारगेट भी मैंने दे दिया है कि इतना टारगेट आपको कंप्लीट करना ही करना है। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल और इस नए व्लॉग में करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की भाई जो अपनी ड्यूटी है वो है गुड़गांव सेक्टर 49 से, जो कि भाई मेरे घर से है करीब 40 किलोमीटर दूर, वहां से पिकअप है और वहीं पर ड्रॉप होगा। तो 40 जाना और 40 आना, 80 किलोमीटर रहेगी खाली गाड़ी की दौड़। मगर गो होम मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी करोलबाग से गुड़गांव के लिए, और वापसी में तो भाई लगाना ही लगाना है। देखते हैं बुकिंग आती है या नहीं आती है, अगर आएगी तो कौन सी बुकिंग आएगी, करूंगा आपको हर चीज के बारे में अपडेट, और इस बुकिंग में कितनी गाड़ी चलेगी और कितना लगेगा समय और कितनी होगी कमाई, कितने होंगे खर्चे, हर चीज के बारे में अपडेट लास्ट में। और भाई कमाई के बारे में कमेंट करके पूछ लिया करो, डायरेक्ट वीडियो में बताना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिसको जानना है भाई कमेंट कर दो, उनको आ जाएगा मैसेज। तो भाई मैं हूँ करोलबाग में, देखते हैं कब तक राइड आती है, तो मिलते हैं बुकिंग आने के बाद, नहीं तो भाई सेक्टर 49 तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो बजरंगबली के मंदिर के सामने हूँ, जय बजरंगबली का जयकारा लगाते हुए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। भाई बुकिंग तो कोई आई नहीं करोलबाग से, यहाँ तक एक भी ड्यूटी नहीं बजी कहीं के भी। तो मैं तो धोला कुआं जैसे पहुंचा तो बंद कर दिया था भाई डिवाइस को, और पहुंच गया हूँ मैं अब अपने पिकअप लोकेशन पे 7:40 पे। कॉल आ गया है पैसेंजर का, बस वो नीचे कर रहे हैं वेट, लेके चलते हैं पहले रोहिणी। तो भाई पहुंच गया हूँ गुड़गांव से निकल के सेक्टर 22 रोहिणी बेगमपुर, करीब करीब 45 किलोमीटर की राइड थी भाई गुड़गांव सेक्टर 49 से, और 1 घंटा 15 मिनट लगे होंगे शायद। रोड था एकदम खाली, सूटम सूट, कोई इश्यू था नहीं, क्योंकि सुबह सुबह इस तरफ आने में गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आने में रहता है भाई खाली। हाँ अभी वापस जाएंगे तो ज़बरदस्त जाम मिलने वाला है। तो अभी रोहिणी जो पहला डेस्टिनेशन था वहाँ पे ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर को, इसके बाद जाएंगे भाई जनकपुरी और फिर वापस गुड़गांव। तो देखेंगे, अभी तक तो एक एमसीडी लगी है और एक हरियाणा टैक्स जो सुबह कटा था वही चलेगा, सारा दिन 24 घंटे का टैक्स होता है भाई हरियाणा का। हाँ एमसीडी जब भी एंट्री होगी दिल्ली में तो देना पड़ेगा, और बाकी सीएनजी कितनी खर्च होगी इसके बारे में भी लास्ट में ही बात करेंगे। तो अभी देखो कितना टाइम लगाएंगे पैसेंजर, यहाँ पर एक ही है लड़का, पुराने पैसेंजर हैं अपने, तभी मैं 40 किलोमीटर दूर पिकअप करने पहुंचा हूं, और 40 किलोमीटर खाली आना भी पड़ेगा। गो होम लगा के आएंगे, गो होम तो भाई सुबह भी लगाया था पर आई नहीं बुकिंग उसमें, पर सुबह तो मेरे को चलो पिकअप की जल्दी थी, शाम को तो कोई जल्दी होगी नहीं, जितनी भी देर में बुकिंग आएगी तो भाई लेके आ जाएंगे दिल्ली। तो बने रहना है भाई व्लॉग में आखिर तक, और काम करते रहो। 9:15 हो गए हैं सुबह के भाई, 9:40 हो गए हैं और पैसेंजर का आ गया है कॉल यहाँ से निकलने के लिए। अब यहाँ के बाद जाना है जनकपुरी, तो ले लेता हूँ भाई पैसेंजर को, जहाँ छोड़ा था वहीं खड़े हैं। भाई पहुँच गया हूँ जनकपुरी बेगमपुर सेक्टर 22 रोहिणी से, तो
और भाई पूछो मत कितना खतरनाक जाम था, बेगमपुर से लेके आउटर रिंग रोड तक कोई सेंस नहीं लोगों को भाई। वन वे रास्ते में डबल डबल घुमा रहे हैं, जिस तरफ से आना है उस तरफ नो एंट्री में मिनी बस तक भी चल रही है, तो भाई जाम तो लगना ही लगना है। तो पर चलो जैसे तैसे करके भाई रिंग रोड तक पहुँचे हैं, और उसके बाद जहाँ जनकपुरी में माता चनन देवी हॉस्पिटल के पास आना था वहाँ पहुँच चुके हूँ। टाइम हो रखा है भाई 11:40, और अब यहाँ से गए हैं पैसेंजर जो भी काम था वो काम करने के लिए। यहाँ से आने के बाद फिर सेक्टर 49 गुड़गांव, बस वहीं पे अपनी होगी बुकिंग ख़त्म। वो अपडेट दूंगा मैं वहीं पहुँच के, बाकी अभी मैं तो भाई गाड़ी में कर रहा हूँ वेट पैसेंजर के आने का। तो भाई आज की जो अपनी बुकिंग थी ना गुड़गांव सेक्टर 49 से रोहिणी बेगमपुर, बेगमपुर से जनकपुरी और जनकपुरी से वापस गुड़गांव सेक्टर 49, उसका एंड हो गया भाई। टोटल जो कि मेरी गाड़ी चली है दिल्ली से गुड़गांव और जो पूरा घूम के वापस दिल्ली पहुंचने में करीब 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर में भाई सीएनजी मेरी खर्च हो गई 700 रुपये की, और इसमें और एक्स्ट्रा जो अलग से खर्चा था भाई वो था एक हरियाणा का स्टेट टैक्स और दो थे एमसीडी टोल। इसमें दो बार मेरी दिल्ली में एंट्री हुई तो भाई दो बार 100-100 रुपये का उसमें एमसीडी का टोल कटा है। और इस वाली बुकिंग में कहीं ज़्यादा जाना था नहीं, 7:30 पिकअप हुआ था और पहुँच गए थे वापस 1 बजे, एग्जैक्ट ड्रॉप कर दिया था मैंने पैसेंजर को। उसके बाद एक पर्सनल वैसे सवारी मिल गई थी जिसको जाना था महिपालपुर, तो सिर्फ महिपालपुर उनको छोड़ कर वह मैं पहुंच गया हूं वापस घर पे। तो आज की बुकिंग में कोई इतना खास था नहीं भाई कुछ बताने लायक, मगर फिर भी जो कि आज का काम था वो मैंने किया और अपने मैं घर पहुंच चुका हूं वापस। और दिल्ली में भाई गाड़ियों की एंट्री बंद हो चुकी है BS4 और BS3 की, तो ध्यान रखना आपकी गाड़ी कहीं इस क्राइटेरिया के अंदर आपकी गाड़ी आती है तो भाई कृपया करके दिल्ली में उस गाड़ी की एंट्री ना करो। इसके ऊपर मैं वीडियो कल बना के स्पेशली डाल चुका हूँ, उम्मीद आपने भाई उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार जाके भाई देख लो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलो भाई आज की बुकिंग का तो अपना हो गया है एंड, और एंड हो गया तो अब जाहिर सी बात है कल की बुकिंग का वेट स्टार्ट हो गया है। अभी तक कोई बुकिंग है नहीं, देखते कोई ना कोई तो जरूर आएगी, अगर नहीं आई तो भाई अपना ओला तो चलाना ही चलाना पड़ेगा, तो अपना जो टारगेट है वो तो भाई पूरा करना ही है हर रोज। तो मिलते हैं सुबह 4 बजे जल्दी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो भाई काम ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि 10-11 बजे तक मैक्सिमम 1200-1500 रुपये का काम किसी भी गाड़ी में हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1000-1200 का और करना है, टोटल 3000 के आसपास का अपना टारगेट रहता है, वो कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचते हैं। और भाई जो नए नए ड्राइवर भाई हैं ना जिन्होंने अभी नई गाड़ियाँ ली हैं और नए नए लाइन में ज्वाइन हुए हैं उनका ये टारगेट नहीं होना चाहिए, उनका कम से कम 3500 रुपये का टारगेट होना चाहिए, मैं ये आज बता रहा हूँ। वैसे इस बारे में मैं बहुत कम बात करता हूँ किसका कितना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, मगर आपकी नई गाड़ी हो और नए नए इस लाइन में आप आए हैं तो 3500 रुपये का कम से कम आपका टारगेट एक दिन का होना चाहिए, जब जाके भाई खर्चे आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि भाई गाड़ी के भी खर्चे हैं, इंस्टॉलमेंट भी है, अपने पर्सनल खर्चे भी हैं और CNG का खर्चा भी है, तब जाके दो पैसे बचेंगे जब आप कम से कम 3500 रुपये का हर रोज काम करोगे। तो उम्मीद है भाई आज का व्लॉग आपको आया होगा पसंद, और अब तो आपको एक टारगेट भी मैंने दे दिया है कि इतना टारगेट आपको कंप्लीट करना ही करना है, तो लगे रहो भाई काम पे, खींचते रहो काम जब तक जो टारगेट आपका है वो कंप्लीट नहीं हो, रुकना नहीं है भाई चाहे कितना भी टाइम हो जाए, और पूरा होगा अगर हम करेंगे ना तो भाई टारगेट पूरा होता है, हर हाल में पूरा होता है। तो चलो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अब कल नए पैसेंजर के साथ नई बुकिंग के साथ, जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत, सारे भाई ना भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।